दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा देख करके जाना, बीच में छोड़ करके आधा वीडियो मत जाना। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, हम पूरी जो भी खबरें लगी हैं उनको एक एक करके आपको दिखाएंगे, एक एक करके पूरा वीडियो देख लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता दें, बिहार की बहनों, नई सेविका बहनों, जिनका भी पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ था, किसी का 16 महीने का, 10 महीने का, ऐसे सब लगा था, तो आप सबसे हम कहना चाहेंगे वो अंडर प्रोसेसिंग वाला पैसा अब आज से क्लियर होना शुरू हो गया है। मतलब आपके खाते में अब आना शुरू हो गया, लग तो पहले ही गया था, अब क्लियर होना शुरू हो गया। तो अभी 2 महीने का, अभी मौजूदा हालात में लगभग 4 बच रहे होंगे, तो इस समय जो है 2 महीने का पैसा क्लियर आपका हो चुका है। धीरे धीरे करके बाकी महीनों को अभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, तो धैर्य बनाए रखिए। बिहार की बहनों, नई सेविका, आप लोगों का जो मानदेय था अंडर प्रोसेसिंग में था वो क्लियर होने लग गया है। तो अब हम आगे चलते, और भी जानकारी, काफी बड़ी मुद्दे हैं, काफी बड़ी जानकारियां हैं, हम पूरा वीडियो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई नमस्ते भाई, दोपहर वीडियोस में जो शोषण के विरुद्ध हेल्पलाइन नंबर दिए थे, मैं उस पर कॉल करके बता जो है बात किया, तो कहा कि हमारा मानदेय कई महीने से नहीं आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश से बहन है और इनका कहना है, और काम रात दिन ले रही है सरकार, तो हम बहनों का भी शोषण वगैरह ही तो हो रहा है। तो भाई उधर से जवाब आया कि इन सब के लिए हेल्पलाइन नहीं है, तो भाई मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्यों यह दिखावा कर रही है। हम बहनें भी एक नारी हैं और हमारा शोषण सरकार खुद कर रही है, और बात करती है नारी शक्तिकरण की। अब देख लीजिए, मैं सुनीता देवी ब्लॉक जो है साहबगंज वगैरह चंदौली से है, बढ़िया सवाल उन्होंने किया है, कम कम प्रयास तो किया सरकार के उसी हेल्पलाइन नंबर का जो मिशन शक्ति के तहत इस समय दिए गए हैं। आंगनबाड़ी बहनें भी महिलाएं हैं और इनके साथ जो विभाग शोषण कर रहा है, मानदेय समय पर ना भेजना, इन सब चीजों को लेकर, तो बहन ने अपना प्रयास किया और जवाब में क्या आया वो आपने देखा। अब आगे देख लीजिए, अगला मैसेज एक और है, बहुत ही बढ़िया जानकारी है उत्तर प्रदेश की बहनों, आप सब ध्यान दीजिए। बीएलओ के खातों में जाएगी 3 माह का बकाया मानदेय, तो उत्तर प्रदेश में बीएलओ का जो पैसा है वो आप लोगों का अब आना शुरू हो जाएगा। ये उन्नाव से खबर छपी है, शकुंतला देवी बहन है, उन्होंने मुझे ये एक खबर भेजा है। इसमें लिखा है, विधानसभा निर्वाचन नामावलियों में गांव-गांव घूमकर पसीना बहाने वाले बीएलओ और उनके सुपरवाइजरों को पूरे 3 माह बाद मानदेय का भुगतान किया जाएगा। भुगतान किए जाने के लिए बीएलओ बैंक डिटेल के साथ व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है, जिसमें नाम व मोबाइल नंबर अहम है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद की 6 तहसीलों में नियुक्त बीएलओ व उनके सुपरवाइजरों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह अगस्त सितंबर का मानदेय भुगतान किया जाना है। भुगतान उनके सैलरी खातों में किया जाना है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी बीएलओ और सुपरवाइजर अपना अपना बैंक खाता संख्या तहसील में दे, तो इसकी जानकारियां आ रही है। तो पैसा बीएलओ का जो भी है, उन्नाव जनपद में खबर छपी है, इस मुताबिक अब तैयारियां हो रही है। आगे देख लीजिए, अगला एक सरकारी आदेश आप लोगों के बहुत काम आएगा, यह भी बढ़िया जानकारी है और लेटर आ रहा है पूर्वी चंपारण से, यानी बिहार से। अब देखिए, इसमें लिखा है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक पड़ा हुआ 2058 दिनांक जो 17/10/2019 को निकला था, इसके आलोक में टीएचआर एवं दैनिक पोषाहार का वितरण हेतु निम्न माइक्रो प्लान के अनुसार तिथि निर्धारित की जाती है। तो आप लोगों के पोषाहार वितरण की तिथियां निर्धारित कर दी गई है बिहार में, पूर्वी चंपारण मोतिहारी में। अब देख लीजिए कौन कौन सी तिथियां हैं, कब पोषाहार वितरण करना है। निर्धारित तिथि है 22 तारीख, यानी आज, आज वाला छोड़ दो, जहां बटना था बट गया। अब कल है तारीख आपकी 23, कल का देख लीजिए, कल बखरी, कोयला, बेलवा, मनीछपरा, रघुनाथपुर, दरमाहा वगैरह, सिसवा, पटना एवं जो है यहाँ पर गवंदरा, ऐसे जो यहाँ पर पंचायतें हैं यहाँ पर कल बांटा जाएगा। उसके बाद परसों 24 अक्टूबर को कल्याणपुर, वृंदावन, पकड़ी दीक्षित, पिपरा खेम, गरीबा और बांसघाट एवं दक्षिण गवंदरा, साथ ही 27 जो है अक्टूबर को राजपुर, दिलावरपुर वगैरह, भुवन छपरा एवं मेदन सिरसिया वगैरह पड़ता है, ये आपके पंचायत के नाम है, वहां पर बांटा जाएगा 27 को, ये आपने देखा। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अरशद अली भाई हैं, उन्होंने मुझे यह लेटर भेजा था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही देख लीजिए, अगला एक और सरकारी आदेश काफी काम का है, और भाइयों बहनों परसों निकला है, 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के
गोंडा जनपद में। यहां पर कहा जा रहा है कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर नई व्यवस्था के अंतर्गत पुष्टाहार की आपूर्ति व वितरण के संबंध में, तो इसमें आप लोगों को हम मेन मेन पॉइंट बताएंगे। जैसे जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके ब्लॉकों के अंतर्गत ग्रामों में गठित ग्राम निगरानी समिति, ब्लॉक निगरानी समिति, इसका गठन पूर्व से ही है, जिसका आप गहन निरीक्षण कर अध्यतन कर ले। यदि किसी ग्राम में ग्राम निगरानी समिति का गठन नहीं है तो उसे तत्काल गठित करा ले तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका की स्थापना भी अवश्य करा ले, जिससे पोषाहार आपूर्ति वितरण व्यवस्था में शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा सके तथा निकट भविष्य में किसी भी विपरीत जो है परिस्थितियों से बचा जा सके। इसमें लिखा हुआ आप देख लीजिए, ये एक लेटर आया है, क्रम संख्या, ग्राम सभा का नाम, ग्राम सभा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, कार्यकर्ती का नाम, गठित ग्राम निगरानी समिति से आच्छादित आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम, ग्राम निगरानी समिति के गठन का दिनांक व सदस्यों की संख्या और ब्लॉक निगरानी समिति के गठन का दिनांक व सदस्यों की संख्या, ऐसे एक लेटर निकला है। ये आपके पोषाहार वितरण से जुड़ा हुआ ही है, ये उत्तर प्रदेश से है और जो भी बदलाव हुआ है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बांटा जाएगा, उसी के मद्देनजर निगरानी जो समितियां बनी थी उनकी अहम भूमिका रहेगी, इसीलिए वो जहां कहीं नहीं बनी तो वो बनवा ली जाए। अब देखिए एक मैसेज और आया, मैंने एक जानकारी मांगी थी, इसमें लिखा है शाहीन बेगम गांव बिलहरी जिला बदायूं से, भैया मैंने आपका 3 बजे वाला वीडियो देखा, आपको इसकी जरूरत है? तो जी हाँ, मुझे जरूरत थी प्रमोशन के लिए लेटर की यानी आदेश की। फिलहाल के लिए बहन ने जो भेजा है वो स्क्रीनशॉट पर स्क्रीनशॉट भेजा है, मतलब जो मेरे पास आया है वो बहन ने किसी का स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें ये आप लोग देख प्रमोशन की सूची वाला मैटर है। तो फिलहाल के लिए हमें क्या चाहिए था, सूची भी चाहिए थी लेकिन वो PDF में चाहिए थी, साफ साफ दिखे, इसमें तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, ये इस पर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। आपके रविकांत भाई जी एडवोकेट हैं, रिटायर हो चुके, वही अपने आप लोगों की समस्याओं को लेकर के आगे लड़ रहे हैं, और वो सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, उनको चाहिए निदेशालय से जारी किया हुआ 2019 वाला वो एक लेटर, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, वो लेटर और कुछ यहाँ पर जिलों की आपकी जो सूचियां जारी थी प्रमोशन की वो मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई के लिए आगे कुछ अपना लेटर वेटर का जो भी काम प्रोसेस है वो उसको आगे बढ़ाएं ताकि प्रमोशन वगैरह आप लोगों का जल्दी से जल्दी हो पाए। अब आगे देख लीजिए, अगला मैसेज आया है, आंगनबाड़ी केंद्र कटरी परसोला और 2 रीता देवी ऐसे हैं, जिला हरदोई बिलग्राम से बहन है, इन्होंने भेजा है कि किराया 2010 से इनको नहीं दिया जा रहा है, जिसके घर पे केंद्र लगाती हूँ वो हमको बहुत परेशान करते हैं और केंद्र गंगा जी में कट गया, भैया जी मैं केंद्र कहाँ चलाऊं, CDPO सर से बहुत बार कह चुके हैं, वो अंसुरी करते, सुधांशु भैया जी नमस्ते, ये बहन ने मुझे भेजा है। तो समस्या तो बड़ी है बहन, यदि आपका 10 से पैसा नहीं मिला, 2010 से 2020 आ गया, 10 सालों से पैसा नहीं मिला, तो आप अपना लिखित जो है एक शिकायत लिखिए और वो जाकर के DM कार्यालय में जमा करिए, DM को बताइए और कहिए कि ये हमारे मानसिक पीड़ाएं हैं, यदि इनका निपटारा नहीं होता है तो हम पता नहीं आगे क्या करेंगे। जो भी आपको ठीक लगे, अपनी जैसी भी आपकी मानसिक तकलीफें हैं, जिस तरीके से आप इनसे निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि देखो पैसा यदि नहीं आएगा अधिकारियों को क्या है, आज ये है कल बदल जाएंगे, फिर कोई आएगा बदली हो जाएगी, और पैसा आपका इसीलिए 10-10 सालों से बकाया है। अब देखिए यहां पर और आया है, गुंजन कुमारी बहन है बिहार से, ये उन्होंने एक फोटो ये भेजा है और एक ये फोटो उन्होंने मुझे भेजा है। फिलहाल के लिए आगे और एक बात बता दे, जो भी भाई बहन है फोटो बहुत भेजते हैं, फोटो को थोड़ा कम करिए, और यदि कोई बहन एक बार मान लीजिए फोटो भेज देती है तो फिर 2-3 दिन तक आप फोटो मत भेजिए, किसी दूसरे को भेजने दीजिए, इससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ज़्यादा प्रेशर भी हम पर नहीं रहेगा कि हाय ये भी हमने दिखाया नहीं, नहीं दिखाएंगे तो बहनें परेशान, कभी कभी तो दिखा भी देते हैं तब भी बहनें वही ताने कहती हैं कि आपने दिखाया ही नहीं, जबकि हम उनकी हर चीज़ को दिखा देते हैं। मान लीजिए वो अभी इस समय 4-5-6-7 मान लीजिए बज रहे हैं, आज उन्होंने भेजा उसको हम कल पढ़ पाएंगे और हो सकता है कल तक कल के ही तमाम फोटो वीडियो लगे हों वही नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपका कल भेजा हुआ हो सकता है 2 दिन बाद आए या 1 दिन बाद आए, इसीलिए काफी लोग जो देखते ही नहीं है और उनको लगता है कि हमने दिखाया नहीं, जबकि हम दिखा देते हैं, देर से ही सही पर दिखाते हैं, जानकारी जो सूचनाएं होती है वो जरूरी होती है, बाकी ये कार्यक्रमों की फोटो तो आप देखते हुए। सुषमा सिंह बहन है भदोई से और इनका भी एक फोटो आया है, एक और इन्होंने ये फोटो भेजा था, ये आप सब देख सकते हो। आगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के यहाँ पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है, और इसमें अमेठी टाउन से है संगीता वर्मा बहन, इन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है। बाकी बहुत से भाई बहनों ने वीडियो भेजे हैं, वीडियो भी मैंने लगा दिए हैं, अब फोटो वाले फोटो देख ले, मिशन शक्ति ये भी मनाया गया है फैजाबाद में, ये देख सकते हो। आगे एक और ये फोटो आई है यहाँ पर भी, श्रीमती रेणु देवी बहन है, इन्होंने भी अपना एक फोटो मुझे भेजा हुआ ये, और काफी इन्होंने दरअसल फोटो भेजी है, साथ ही कुछ और ये फोटो आप देख लीजिए, बैठक वगैरह जो की गई है, ये भी एक बैठक है,
साथ ही कल्याण देवी बहन है बलरामपुर से, इन्होंने भी फोटो भेजा है। देखो फोटो देखते देखते शायद लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने 11 बजे जो वीडियो दिया था कार्यक्रमों का, सिर्फ वीडियो था, उसमें फोटो भी नहीं थी। वीडियो में चलो कुछ तो देखने को मिलता है, तो फिर भी जो है लोगों ने नहीं देखा। रीजन यह है कि लोग जो है ये गतिविधियां फोटो देखना नहीं चाहते, उनको चाहिए खबरें, यानी हम बोलें और हम कुछ सुनाएं और बताएं, ये चाहते हैं लोग। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग ये गतिविधियां फोटो कम करिए या इनको थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए तो ठीक रहेगा। जो बहन बहुत अच्छे तरीके से मान लीजिए कार्यक्रम बनाती है, जिनमें वाकई लगता है कि वीडियो दिखाने लायक है, लोगों को इससे कुछ सीख मिलेगी और अच्छा रहेगा, कम समय में साफ सुथरा अच्छा वीडियो, लेकिन कुछ लोग तो उसको मजाक स्वरूप भेज देते हैं, उसमें कहीं हंसते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कभी वीडियो का कैमरा ही एंगल ठीक नहीं होता है, कभी इधर, कभी दीवार पर, कभी जमीन पर, कभी दीवार पर, ये सब जो भी होता है ये गलत होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सब भाई बहनों से कि भेजना है तो कुछ ढंग का भेजो, वरना मत भेजो भाई। डेली डेली ये फोटो कार्यक्रम आप मत भेजिए, ये अपने विभाग के ग्रुपों में डालिए, जिससे पता चले आप काम करते हैं। आगे हम तो आप लोगों को आपकी जानकारी दिखाएंगे। सर्वेश कुमारी बहन है, इन्होंने भी मुझे ये अपना एक फोटो भेजा है। साथ ही ये बहन है सीमा समा परवीन, इन्होंने भी मुझे अपना ये फोटो भेजा है। ऐसे और ये बहन है उत्तर प्रदेश वगैरह से, इन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है। और ये देख सकते हो बहुत सारी बहनें हैं जो 17-17, 20-20 फोटो भेज देती हैं। जैसे एक ये फोटो आई है, यहाँ पर एक ये आंगनबाड़ी बहन है, इनके केंद्र पर भी अच्छे तरीके से कार्यक्रम मनाए गए, जैसा कि आप देख सकते हो मिशन शक्ति वगैरह, और मेटरा बाजार पड़ता है, वहीं से है। साथ ही देख लीजिए एक और ये है सुनीता देवी बहन के द्वारा फोटो भेजा गया है। साथ ही ये देख लीजिए मिशन शक्ति कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत ये भी मनाया गया है। साथ ही ये देख लीजिए सुधांशु भैया नमस्कार, एक और ये मेरे पास आया है, यहाँ पर सबाना खातून बहन है, उन्होंने भी मुझे ये भेजा है, और ये शायद बिहार से हैं, इनका भी फोटो देख लीजिए, इन्होंने काफ़ी सारे फोटो भी भेजे हैं, और हो सकता है इनके भी फोटो पहले भी दिखाए, फिर भी बहन ने कहा कि भाई आप हमारे ही जो है कभी भी फोटो नहीं दिखाते, जबकि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास सैकड़ों फोटो डेली आती हैं, हम तो कोई किसी के साथ भेदभाव थोड़ी करेंगे, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा कम करिए भेजना, ताकि जो पहली पहली बार भेजते हैं उनको मौका मिल जाए। ये देख लीजिए बहुत सारी फोटो हैं, ऐसे एक ये है और आराधना बहन है, उन्होंने भी मुझे अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है, कानपुर देहात से है। साथ ही रजनी श्रीवास्तव बहन हरदोई से, उन्होंने भी अपना एक फोटो भेजा हुआ है। साथ ही ये भी एक बहन है, इन्होंने भी अपना फोटो भेजा हुआ है, निर्मला देवी बहन। अब देखिए फोटो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता, इससे जानकारी नहीं मिलती किसी को। यदि कोई अच्छा वीडियो बनाता है, कुछ अच्छी चीजें समझाता है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी, यानी उसमें शोर शराबा नहीं है, बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है, अच्छे तरीके से लगता है कि देखने लायक है, तभी वीडियो को भेजिए, अन्यथा मतलब भुगत करके पूरा मत डाल दीजिए। कैमरा कहीं दीवार पर, कहीं जमीन पर, कभी इधर कभी उधर, ना उसमें कोई कैप्चर हो रहा है, ना कुछ भी है, ना कोई ढंग से बोल रहा है, ऊपर से लोग मजाक कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे वीडियो बना करके मत भेजिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये फिलहाल के लिए एक और ये फोटो आई है, इसमें ये आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने भी अपना मुझे भेजा है, नीलम बहन। साथ ही ये एक और आंगनबाड़ी बहन है, भियाओं वगैरह पढ़ता है, वहीं से है, और इन्होंने भी मुझे भेजा है, शीतल रानी बहन है। साथ ही एक ये देखो बहन है मिर्जापुर से, इन्होंने तो हमें जो है ये आप देख लीजिए 21 फोटो भेज दिए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 21, बताओ 21 फोटो का क्या करेंगे, और सारी की सारी फोटो एक ही जगह की, एक ही कार्यक्रम की है, हम क्या बताएं और क्या करें। मिर्जापुर से हैं, सैलबाला देवी वगैरह लिखा हुआ, सैलबाला, तो देख लीजिए भाई ऐसे ऐसा मत करिए आप सब, देख लीजिए। और लिखा है भैया जी हम हर वीडियो देखते हैं, हम सिवान जिले से, हम लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ सन 2016 का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, उसके लिए क्या करें, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखो ऐसे मैसेज आते हैं तो अच्छा लगता है, चलो किसी की समस्या है कुछ हल ही बताएं। तो आपसे या अन्य तरह से जिसकी भी ऐसी समस्या है, पूर्व का मानदेय, पूर्व का भवन किराया, इन सबकी समस्याओं की जड़ बस एक ही है। देखो मेन समस्या क्या होती है, समस्या देखो सवाल कोई भी हो उसको हल करना है तो पहले सवाल को समझना पड़ता है, उसके बाद आप उसको हल कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी समस्या है, जब तक समस्या पर गौर नहीं करेंगे तब तक उसका सुझाव हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हमारा समस्या क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम हमारा मान लीजिए मानदेय पूर्व में बकाया है 2-4 सालों का, पहले वाला वो नहीं यदि किसी को मिला है, आप कहते हो सुपरवाइजर से डीपीओ डीपीओ से कि कब आएगा, वो भी आपको ऐसी सांत्वना दे देते हैं कि आ जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। ऐसे ही भवन किराए में भी होता है, पूछते हैं भवन किराया 10-10 सालों से लोगों का पड़ा है, आ ही नहीं रहा, ना कुछ हो रहा है। तो यहां से आप समझ लीजिए, एक समझ अपने अंदर विकसित कीजिए अपनी समस्या से, कि हमारी समस्या का समाधान हमारा विभाग नहीं करेगा, हम उससे कहेंगे। हमारी समस्या का जो समाधान तब होगा जब हम किसी दूसरे के पास जाएंगे, मतलब जिले में जिसका वर्चस्व, मतलब डीएम, आप जिलाधिकारी के पास जाइए, डीएम कार्यालय जाइए, उनको लिखित में आदेश दीजिए, उनसे शिकायत करिए कि ये समस्याएं हैं, और जैसे आपके अंदर मानसिक शोषण हो रहा है, जैसी जैसी समस्याएं हैं उनको अपना अच्छे तरीके से लेटर में पिरोइए और पहुंचिए। यदि आपके ब्लॉकों पर सब बहनों के साथ गलत हो रहा है तो सब बहनें इकट्ठा जाकर के अपना कुछ करिए, अपने हक के लिए लड़ना गलत बात नहीं है और लड़ना पड़ेगा। अब आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे, बहुत से भाई बहन जो भी चैनल से जुड़े हैं
उनके लिए तो ठीक है, जो जुड़े नहीं है उनके फोन में ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ ये आपको रेड कलर का मिलेगा। यदि आपके भी फोन में रेड कलर का सब्सक्राइब है तो समझ लीजिए आप चैनल से नहीं जुड़े हो। तो आपको क्या करना है, आपको इस रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब जो है वो चला जाएगा। देख लीजिए अब रेड कलर नहीं रहा। अब साइड में आपकी एक बेल बनकर के जरूर आ जाएगी, इस बेल पर भी आपको क्लिक करना होगा। इस बेल पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी बेल के साइड में तीन ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो ऑल वाला, बस यही मेन है। इस ऑल वाली बेल पर आप जब दबा लेंगे तो समझ लीजिए आपके पास हर एक जो वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। मतलब आपके फोन में हमारे द्वारा वीडियो डाले गए उसकी सूचना, उसका वीडियो ही पूरा पहुंच जाएगा। आप आराम से खोलेंगे, आप आराम से देख सकते हो डेली की सच्ची खबरें। ऐसे आप चैनल से हमारे जुड़ सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा शाम का, और साथ ही साथ ये भी बता दे तबीयत ठीक है, दवाई मैंने खाई है और आराम भी किया है, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जो थोड़ा बहुत और लग रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और धन्यवाद दोस्तों फिर वीडियो देखने के लिए।